गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो ये जो रीडिंग है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी किसी इंसान से बातचीत नहीं हो रही है, रिलेशनशिप टूट गया है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एंड आप जानना चाहते हो कि क्या इस रिलेशनशिप में वापस से रिकंसिलिएशन हो सकता है या नहीं। सो जिस इंसान के साथ में आपका रिलेशनशिप अभी ब्रेक पर है उनके नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर उनका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर वन, और अगर उनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर टू। ये दो ग्रुप्स हैं आपके सामने, दोनों के लिए ही टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपके उस स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे और रिकंसिलिएशन के कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है इस रीडिंग में, हम ये देखेंगे। राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर वन के साथ में। तो नमस्ते ग्रुप नंबर वन, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और सबसे पहले फोर कार्ड्स उनकी एनर्जी के लिए मैं यहां पर पिक करूंगी। उनकी इमोशंस इंटेंशंस इस समय पर आपके टूवर्ड्स और आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स क्या हैं? ग्रुप नंबर वन। ओके, फर्स्ट कार्ड उनकी तरफ से आया है सन का, देन वी हैव द डेविल, एस ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, और बैक ऑफ द डेक कार्ड निकल करके आया है स्ट्रेंथ कार्ड। सो राशियां यहां पे लियो राशि वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये, ठीक है, केप्रिकॉन राशि वाले हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरी सॉरी जेमिनाई लीब्रा और एक्वेरियस, ये राशियां हो सकती हैं। और अभी देखते हैं इस समय पर आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के टूवर्ड और इस इंसान की तरफ, आप क्या फील कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और स्पेशली इस कनेक्शन में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सो एज अ व्यूअर इस समय पर आपकी एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर वन। आपका पहला कार्ड है यहां पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड यू हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी राशि जो है, आप में से ज्यादातर लोगों की राशियां जो है एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकती है, फायर साइन वाले हैं और कुछ लोग जो है वो वाटर साइन वाले भी हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। बैक ऑफ द डेक आपका आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको आपकी एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी गाइस। मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके इंटेंशन इस इंसान की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव है, राइट, लेकिन अपने इन इमोशंस को जताना कैसे है, इस इंसान को पोर्ट्रे कैसे करना है वो अभी आप नहीं जानते हो। आपके माइंड में प्लानिंग बहुत ज्यादा चल रही है हाउ टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप को वापस से जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। अ लॉट ऑफ प्लानिंग यू आर डूइंग, सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप सोच रहे हो, सारे ऑप्शंस के बारे में आप सोच रहे हो और थोड़ा सा आप निराश भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, थोड़ी सी सैडनेस भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मे बी अपनी डेली लाइफ में, अपने रोजमर्रा के रूटीन में आप बहुत ज्यादा बिजी हो लेकिन इमोशनली आप बहुत ज्यादा मे बी अकेलापन फील कर रहे हो या खालीपन अपनी लाइफ में फील कर रहे हो। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेशल पर्सन हो सकते हैं आपके लिए, लवर हो सकता है या कोई बहुत अच्छा दोस्त ये हो सकता है आपका, जिससे कि आपकी बातचीत अभी नहीं हो रही है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। एंड आपकी इंटेंशंस, आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये चीज क्लियरली आपकी तरफ से फील हो रही है ग्रुप नंबर वन कि आप इस रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए शायद जो कुछ आपसे बन पड़ेगा आप करने के लिए तैयार हो, राइट, योर इंटेंशंस आर वेरी पॉजिटिव।
देन आपके जो ये स्पेसिफिक पर्सन है, ये स्पेसिफिक पार्टनर है, इनकी एनर्जी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव तो है, ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मे बी रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, लेकिन इस समय पर ये कहीं पर फंसे हुए हैं। कोई कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में चल रहा है जिसको कि कंप्लीट होने में, या इस टॉक्सिक सिचुएशन से जो उनकी जिंदगी में चल रही है, जो टेंशन या जो कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, उनसे उबर करके बाहर आने में, उनसे निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और जो कुछ भी प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि उनके माइंड में नहीं आ रहा है, वो भी आपको वापस से ये रिलेशनशिप वापस से आपको ऑफर करना चाहते हैं, वापस से न्यू कन्वर्सेशन आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस फेज तक पहुंचने के लिए ये इंसान जानते हैं कि उनको थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा सा सोच समझ करके उन्हें आगे बढ़ना है। शायद इनके जो एक्शंस हैं वो आपकी तरफ, आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स पास्ट में बहुत ज्यादा मच्योर नहीं रहे हैं, तो उस चीज को, उस फैक्टर को ये इंसान अभी समझ रहे हैं और ये जानते हैं कि इनको अपने पुराने तौर तरीके कुछ हद तक बदलने होंगे, अपने आप में कुछ चेंजेस लाने होंगे, उसके बाद में ही आप शायद इन्हें वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, या वही, या उसके बाद में वो टाइम आएगा जब रिकन्सिलिएशन के लिए वो एक प्रॉपर समय होगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी क्लियरली क्या आंसर आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे। ग्रुप नंबर वन रिकन्सिलिएशन, क्या रिकन्सिलिएशन ग्रुप नंबर वन के लिए पॉसिबल है? तो पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है बैड हेल्थ 31 नंबर, ऑफिशियल पर्सन 22, फैमिली रूम 21, चेंज नंबर 9, एंड वी हैव नंबर 24 थीफ। तो ये 31, 21, 22, 24 ये उम्र हो सकती है, 40 साल एज हो सकती है, 31 काफी सारे लोगों की एज मैं देख रही हूँ, 30, 31, इवन 33 इयर्स, ये एजेस जो है यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रही है। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे आपका कार्ड आया है सडन वेल्थ 11 नंबर। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, यस आंसर आपका हाँ में है, चेंजेस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसा इसीलिए है कि ये रिलेशनशिप जितना भी खराब क्यों ना हो जाए, जितनी ही आप लोगों के बीच में तू तू मैं क्यों ना हो जाए, या नेगेटिविटी जितनी भी आ जाए, लेकिन आप एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हो, और बहुत ज्यादा क्लोज टाइमिंग, एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कनेक्शन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस किया है, और भले ही ऊपरी दिखावा जितना भी हो, लेकिन अंदर से ये इंसान जो है और आप भी जो हो, एक डीप इमोशनल लेवल पर इनके साथ में कनेक्टेड हो। सो यस आंसर आपका डेफिनेटली यस में है, और बैक ऑफ द डेक ये जो आपका सडन वेल्थ का कार्ड आया है नंबर 11, और यहाँ पे इमेज में देर इज नंबर 777, तो एंजल नंबर यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रहा है। आंसर यहाँ पे डेफिनेटली यस है। ग्रुप नंबर वन आप में से काफी सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए इस कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। वाई, एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऐसा इसीलिए भी है कि ये इंसान जो है आपसे अलग हो करके, या आप इनसे अलग हो करके अपनी झूठी शान के लिए, या अपनी सिर्फ अपनी एक इमेज मेंटेन करने की कोशिश आप कर रहे हो कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी है, या मुझे इस पर्सन से वापस से कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। ये चीज यहाँ पे आपके इमोशंस में क्लियरली निकल करके आ गई थी, ठीक है। तो रिकन्सिलिएशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और इवन जो ये इंसान है, जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इनके लिए भी मैंने बोला कि ये वापस से डेफिनेटली, दो दो एसेस के कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं, तो पूरी एनर्जी उनकी ऐसी है कि वापस से जुड़ना चाहते हैं आपके साथ में। शायद थोड़ा सा समय इसको लगेगा इस रिलेशनशिप को हील होने में, वापस से ट्रैक पर आने में, लेकिन यस देर आर फुल चांसेस, पूरी पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर वन के लिए कि आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। ओके, सो गाइज दैट्स इट, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिलती है आपको, देन यू नो वॉट टू डू, सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। इंस्टाग्राम पर अगर आप हो तो वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए, वहां पर भी मेरे जो इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका नाम भी टैरो बाय टीजे है। And guys, I'll see you next time. Till then, namaste and take care. Let's move on to group number 2 now. Namaste, group number 2. अगर आपके specific person का नाम N से Z तक के साथ में शुरू होता है, then this is the reading for you.
सो सबसे पहले फोर कार्ड्स आई विल पिक फॉर देयर एनर्जी एंड आई गेस दो कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है. उनके इमोशंस, इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स और आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स क्या हैं, लेट्स सी. We have the Hanged Man, the World card, और back of the deck यहाँ पे card आया है Five of Wands का. तो इनकी तरफ से जो राशियां हैं Cancer, Scorpio, Pisces राशि, Sagittarius राशि, बहुत सारे लोग Sagittarius वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे Scorpio वाले हैं, और ऑफ कोर्स फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जो मैं कह रही हूँ बार बार, सेजिटेरियस वाले बहुत सारे लोग हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले बहुत सारे लोग हैं. नाउ लेट्स सी फोर कार्ड्स फॉर योर एनर्जी. ग्रुप नंबर टू, इस समय पर आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, इंटेंशंस, इस सिचुएशन के टूवर्ड्स, इस इंसान के टूवर्ड्स क्या है. आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर के क्या बातें चल रही हैं, क्या एनर्जी है आपकी. ग्रुप नंबर टू, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स. मुझे यहां पे फील हो रहा है कि किसी का कोई लीगल मैटर यहां पे चल रहा है, मे बी देर इज अ डाइवोर्स केस और समथिंग लाइक दैट. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ Swords, इनका बैक ऑफ द डेक आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे आपका भी सरप्राइजिंगली बैक ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी आपकी भी सेम निकल के आई है फ्रॉम टू डिफरेंट डेक्स. आपका भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है. एनर्जी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है. नंबर फाइव जो है बेसिकली ये सारे बहुत हैवी नेगेटिविटी को शो करते हैं टैरो में. तो आपकी तरफ से जो राशियां हो सकती हैं वो बता देती हूँ मैं सबसे पहले. तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट ऑल द जोडियक साइंस आर प्रेजेंट. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स में से ज्यादातर लोग जो हैं वो ग्रुप टू वाले हैं. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले आपकी एनर्जी एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पर्सन के टूवर्ड्स और इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स. आपको ये फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हो गए हैं. ये इंसान उस मोमेंट पे आपको छोड़ करके चला गया है, चली गई है, जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, या आपको बहुत ज्यादा विश्वास था इनके ऊपर, बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन था, और अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया है. आप अभी भी इनको उतना ही क्लोज मानते हो, आप अभी भी इनके टूवर्ड्स आपके मन में बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं, राइट. एंड डिस्पाइट ऑफ द डिस्टर्बेंसेज, भले ही ये जितने भी डिफरेंसेज हैं, जितने भी डिस्टर्बेंसेज आप लोगों के रिलेशनशिप में हैं, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप इनके साथ में यू वॉन्ट टू रिकन्सिलिएट, आप वापस से इनके साथ में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, वापस से आप इनके साथ में क्लोजनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हो. आप लोगों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ लोगों के बीच में ये जो परेशानियां हैं वो पिछले पांच हफ्तों से चल रही है, मई के महीने से चल रही है. मई का मंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट. कुछ लोगों के बीच में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हो सकता है कि पिछले पांच साल से भी ये सिचुएशन ऐसी चल रही हो, जहां पर बीच बीच में आपकी बातचीत होती है, फिर आप अलग हो जाते हो. सो फाइव ईयर्स से भी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये सिचुएशन कंटिन्यू ऐसे होता जा रहा है, या आपका जो ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो इस इंसान के साथ में पांच साल हुए हैं आपको इन्हों जानते हुए या इनसे कनेक्ट हुए हुए. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस सी के इस इंसान की एनर्जी क्या है. इनकी तरफ से भी एक तो ये सिमिलर एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की सेम है, ओवरऑल एनर्जी आपकी भी वही है, इस पर्सन की भी वही एनर्जी है. इनको भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा गैप आ गया है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आप लोगों के रिलेशनशिप में आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज देख रही हूं कि जिस समय पर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, उस टाइम पर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा था आपको लेकर, आपसे, या बहुत ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज्यादा ये चिढ़े हुए थे, ठीक है, उस समय पर. लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को शांत किया है. अभी अगर आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं है, नौ महीने से ज्यादा हो गए हैं कई लोगों को, कुछ लोगों की बात जो है वो सितंबर के महीने से में भी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है. तो
ये इंसान इतने समय में ये अपनी गलतियां भी समझ रहे हैं, ये आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब बस ये बहुत हो गया है, ठीक है, ये गैप का जो टाइम है इसको अब खत्म हो जाना चाहिए, या इनको कभी कभी ये भी लगता है कि शायद ये दिस रिलेशनशिप इज ओवर फॉर गुड, या ये अब वापस से आप इनसे कभी भी कनेक्ट नहीं करोगे, वापस से आप शायद इनसे कभी भी नहीं जुड़ोगे, इस तरीके के थॉट्स भी इनके मन में आते हैं आपको लेकर के, ठीक है। और ये अपने आप को भी जज कर रहे हैं, अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को ये जज कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्लियरली यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में जरूर हुए हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और ये बिल्कुल भी कंट्रोल में रहने वाले इंसान नहीं है, या ये किसी से भी डोमिनेट होकर के रहने वाले पर्सन नहीं है। तो आपकी केयरिंग नेचर को भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा फील होता हो कि आप इनको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो, या आप इनको समहाउ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो उन आपके उन एक्शंस को, आपके उन इंटेंशंस को ये अभी इस मोमेंट में, इस सेपरेशन के टाइम में ये समझ पा रहे हैं कि शायद आपकी इंटेंशंस जो थी वो नेगेटिव नहीं थी, या अगर आपने इनसे कुछ बोला भी है तो वो आपने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला है। मे बी आप कुछ इनके लिए अच्छा चाहते थे, मे बी आप कुछ आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए बेटर चाहते थे, राइट। सो आपकी इंटेंशंस को इस समय पर ये इंसान समझ रहे हैं, बट इन्हें ऐसा फिर भी आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत ज्यादा गैप आ गया है, बहुत ज्यादा बातचीत ना हो जाने की वजह से, या इन सब सिचुएशंस की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में अक्यूमुलेट हो गई है, इस रिलेशनशिप में एक गांठ पड़ गई है, ठीक है। लेट अस सी क्लियर आंसर आपका क्या है यहाँ पे। ग्रुप नंबर टू, क्या आपका इस इंसान के साथ में रिकंसिलिएशन होगा? क्या आपका इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ में दोबारा से रिकंसिलिएशन होगा? ग्रुप नंबर टू, हियर इज द आंसर। वी हैव मेन मेल नंबर वन, वी हैव नंबर 24 थीफ, वी हैव नंबर 20 हाउस, बैड हेल्थ 31 और चेंज। ओके, दीज थ्री कार्ड्स हैव रिपीटेड। ओके फाइन, तो एक तो जो यहाँ पे नंबर्स आए हैं, तो यहाँ पे भी एज ग्रुप्स जो है, एक तो 20 से 25 साल तक के लोग हैं यहाँ पे, देन देर आर पीपल हु आर 31 ईयर ओल्ड, 32 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 44 ईयर ओल्ड, 42 ईयर ओल्ड, ये एजेस यहाँ पे निकल करके आ रही हैं। सम पीपल आर ऑल्सो वेरी यंग। एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, अभी मुझे ध्यान में आ गया तो मैं मेंशन कर देती हूँ, ऑल द ग्रुप नंबर वन में मैं बोलना भूल गई, अभी मुझे ध्यान आया। बहुत सारे छोटी उम्र के बच्चे जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, तो अगर आप पेरेंट हो तो आप प्लीज मेक श्योर कि आप जब अपने बच्चों को आप फोन देते हो तो आप प्लीज उन पर नजर रखिए, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, दीज आर द थिंग्स फॉर अडल्ट्स। ओके, कुछ ऐसी बातें भी कई बार रीडिंग्स में निकल के आ जाती हैं जो बच्चों के मतलब की नहीं होती हैं बिल्कुल भी, जो अडल्ट्स के लिए होती हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके बच्चे जो हैं वो अभी से इन सब चीजों में एटलीस्ट इन्वॉल्व ना हो। और एज अ व्यूअर, अगर आप 18 साल से उम्र के छोटे इंसान हो तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, ये सब चीजें अभी आपके लिए नहीं है। मेरे पास पर्सनली भी कई बार कुछ बच्चे आ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे आ जाते हैं, तो इट इट रियली सरप्राइजेज मी, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी भी 18 साल से कम के उम्र के लोगों को रीडिंग नहीं देती हूँ। ओके, पर्सनल रीडिंग भी मैं कभी भी नहीं देती हूँ 18 साल से कम के उम्र के लोगों को। ऑल राइट, कमिंग बैक टू योर आंसर, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस थोड़े मुश्किल हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही अभी पूरी तरीके से मे भी एक दूसरे के साथ ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं हो, सच्चाई को फेस करने के लिए अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, और एक फेज जरूर ऐसा आएगा कि आपका इस इंसान के साथ में आमना सामना होगा, आपका इस इंसान के साथ में वापस से कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, बट वो कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको दोबारा से इनसे मिलना पड़े। इस समय पर तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। ग्रुप नंबर टू, अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है कि ये पर्सन या आप जो हो कुछ भी इनिशिएट करने वाले हो टू
रिकनसाइल, अभी दरवाजे यहाँ पे लॉक्ड है, सब कुछ बंद है, और ना तो उनको समझ में आ रहा है कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना आप क्लियरली जान पा रहे हो। थीफ का भी कार्ड यहाँ पे क्लियरली यही चीज बता रहा है कि एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है, तीसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है, दूसरी चीज के अपने जेन्युइन इमोशंस जो है वो या तो जानबूझकर छुपा रहे हो आप भी और वो भी, या फिर सिचुएशन ऐसी है ऑफ कोर्स के सेपरेटेड हो आप, तो बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हो कि सामने वाले इंसान की लाइफ में और उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो दोनों के मन में एक झिझक है, एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ करके रिकंसिलिएशन करने की बात करूं और मेरी बेइज्जती हो जाए या सामने वाला इंसान मुझे रिजेक्ट कर दे, ये इमोशन दोनों की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स डेली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस आई एम 100% श्योर हो रहे होंगे, ठीक है। समहाउ आप अपनी लाइफ जर्नी में आगे चलते जा रहे हो, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है या ये जो एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, ये आप दोनों को ही डिस्टर्ब करती है, आप दोनों के ही माइंड को ये सिचुएशन काफी हद तक डिस्टर्ब करती है। सो गाइस, क्लियरली मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांग रिकंसिलिएशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, यही है रीडिंग आपके लिए। अगर रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूं, देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। और अगर आप, हाँ, इंस्टाग्राम पर भी अगर आप हैं तो वहां पर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।